दोस्तों, तो मेरा नाम है निकेत सिंह और मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस माया, ये माया नगरी जो है, ये जो माया है इसको कैसे सीखते हैं, अपनी क्रिएटिविटी इसमें कैसे डालते हैं। इसको सीखने से पहले एक चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ एक टूल है, सिर्फ एक जरिया है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो 3D वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड। यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल वर्ल्ड। चलो शुरू करते, बिना बकवास करे, बकवास कर रहा हूँ मैं वैसे भी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम, ये वीडियो हिंदी में रहेगी जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि माया को बेसिक टू एंड कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इस बक्से से, आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, ये बना सकते हो आप सिर्फ इस बक्से से। इन बक्सों को ऐड करते जाओ करते हो, बहुत अच्छा बनाया बंदे ने, लेकिन बहुत ईजी, आप उसको आराम से बना सकते हो, बहुत ईजी है। ये बना सकते हो आप, ये भी बना सकते हो, ये इससे भी आसान है, बस आपको थोड़े दिमाग लगाना पड़ता है। और ये अनरियल में सिर्फ रेंडर हुआ है, लेकिन बना माया में ही है, माया में इसको बनाया गया है, अनरियल में रेंडर किया गया है। तो ये आप ऑसम, ये भी एक है वन ऑफ माइन। तो आप इस बक्से से पता नहीं क्या क्या बना सकते। तो मेरे को लगता है इतना इंट्रो काफ़ी है माया के लिए। तो आप एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो, ये आपका 3D माया में बना है, रेंडर अनरियल में हुआ है, लेकिन देखिए आप कितना मस्त है। तो चलो बस इस सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूँ माया के बारे में, सीधा बकवास छोड़ो, सिर्फ हम मूव पैन रोटेट डब्ल्यू क्यू आर स्केल छोटा बड़ा ये सब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ रोटेट कैसे करना है। रोटेट करने के लिए आपको ऑल्ट दबाना है और अपना लेफ्ट क्लिक करना है। ऑल्ट बटन तो आपको पता ही होगा, कीबोर्ड में होता है, उसको दबाओ और लेफ्ट क्लिक करो और माउस हिलाओ तो आपका रोटेट होने लग जाएगा। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन कैसे करेंगे, जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे, आपको ऑल्ट प्लस राइट क्लिक करोगे और फिर माउस को ऊपर आगे पीछे करोगे तो होगा स्क्रॉल इन, नहीं तो नॉर्मली जो आपका मिडल माउस बटन है उसे स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करो, जैसे आप नॉर्मल पेज पे करते हो। और पैन करने के लिए अपना ऑल्ट दबाओ और मिडल माउस बटन करो और माउस हिलाओ, बस पैन हो गया आपका, बस इतना हो गया। बस अब एक दो चीज़ें और बताओगा फिर ये सेशन में क्लोज कर दूंगा, अब अगली वीडियो देखोगे। बस 2-3 मिनट की वीडियो है ये वाली, बस इंट्रो वीडियो है आपको कैसे यूज़ करना। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, आप जो लेफ्ट साइड में 3-4 डंडे देख रहे हो, ऐसे हेयर की टाइप है ये है, जो भी है, इसे कहते हैं आउटलाइनर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा कैमरे या जो भी आपके सीन में चीज़ है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब चीज़ें आपके आउटलाइनर में दिखेगी। जैसे पर्सपेक्टिव भी है, ये हमारा कैमरा है, जो ये वो कैमरा है जो हम अभी तक हम देख रहे थे वो पर्सपेक्टिव व्यू है। ये अब टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये पर्सपेक्टिव व्यू, ये पहला हमारा कैमरा, फिर टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू जो अभी हमने देखा। हम और भी कैमरा ऐड कर सकते हैं इसमें, पर वो सब मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ो। तो अभी हम प्रोजेक्ट पे किया, इसको हम कुछ भी डालते हैं, ऐसे लॉल डाल देते हैं, अरे कुछ भी डाल दो यार, सिखा रही तो है, तो याद भी रह जाएगा इसी बारे में। चलो इस लॉल से एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी आप क्रिएट करोगे उसको रीनेम करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो आपके पास कन्फ्यूजन हो जाएगी यार, और कुछ नहीं, तो रीनेम करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपने अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये साइड में चैनल बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पे आप हाइट वेट कितने सब डिवीजन कितने सारे सेगमेंट्स चाहिए ये सब कंट्रोल कर सकते हो, ये ऊपर से मूव कर सकते हो और रोटेट कर सकते हो, ये सब आप क्यू डब्ल्यू ई आर से भी कर सकते हो, लेकिन ये भी है। अब इसके बाद एट्रीब्यूट एडिटर आ जाता है, इसमें 3-4 ऑप्शन, तो इससे भी हम लंबा छोटा बड़ा छोटा सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारा एट्रीब्यूट एडिटर है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी चीज़ हुई है वो आपके एट्रीब्यूट एडिटर में दिखेगी। ओके चलो अब मैं और चीज़ें बता देता आपको। तो अभी तक जो हमने सीखा वो 3 बेसिक चीज़ें, रोटेट कैसे करना है, पैन कैसे करना है और फिर हमें छोटा बड़ा कैसे करना है यानी स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल इन जूम आउट कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट कैसे करना है और पैन कैसे करना है। ऑल्ट राइट क्लिक आपका जूम इन जूम आउट के लिए, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक आपका रोटेट के लिए और ऑल्ट मिडल माउस आपका पैन करने के लिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लो, 2-3 बारी में आप खुद ही याद हो जाएगा, धीरे धीरे आपको इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की, खुद ही हो जाएगा आपका
असल मेमोरी में ऐड हो जाएगा। अब सीधा डब्ल्यू डब्ल्यू इससे आप अपना ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो इधर से उधर। आप ये कोने में देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये मूव मूव टूल से आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। डब्ल्यू दबाना उसका शॉर्टकट है, देखो मूव टूल डब्ल्यू। अब इसमें रोटेट भी है, रोटेट करते ही आप रोटेट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, ये उल्टा सीधा जहाँ से भी आपको मूव कर। ठीक है, इसका शॉर्टकट है ई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ई। अब हम स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन करने के लिए हमारा आर, आर जैसे दबाओगे आप अपने ऑब्जेक्ट को आप बड़ा छोटा लंबा मोटा बोटा जो भी करना है कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने बस 5 6 7 8 चीज़ें सीखी है, ये पहली वीडियो के लिए काफ़ी है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो ये 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा तो बनेगी नहीं। ठीक है, ये जो रोटेट करना, डब्ल्यू ई आर, पता नहीं किसने किया लेकिन जिसने भी माया बनाया उसको लगा कि ये बटन दबाने से इजी है, सही है, काम चल रहा है, डाल देते हैं, बड़ा मस्त है। जैसे आप देख लो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, क्यू आर टी, जिसने कीबोर्ड बनाया। भाई मजाक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता माया वालों ने सिर्फ डब्ल्यू ई आर क्यू डाला, इजी है इसके लिए डाल दिया। अब हम बताते हैं कि आखिरी चीज़ जो है इसको हम सेव कैसे करते हैं, न्यू सीन कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू सीन क्रिएट करते हैं जैसे आप न्यू फोल्डर बनाते हैं वर्कशॉप में, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो, ऊपर जाओ कंट्रोल एंड शॉर्टकट न्यू। आप हमें एक फाइल खोल के दिखा देता हूँ मैं, चलो लाइट हाउस दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने बनाया अभी, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, टेक्सचरिंग वेक्सचरिंग बाकी है, बस मॉडल बना है मेरा। तो ये देखो अभी लोड हो रहा है, थोड़ी बड़ी फाइल है, थोड़ी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलो ये हमारा है, ये हमारा माया जो मैंने अभी बनाया है, ये इतना खास नहीं है लेकिन जो भी है देख लो सही है वैसे। चलो अब आज के लिए इतना ही है, अब हम सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है, और नया हमें सेव करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एस, जिससे हमारा न्यू सीन क्रिएट, न्यू सीन सेव होता है कहीं और जगह पे जो भी आपको सेव करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है, चलो अब हम बंद कर देते हैं इसको, टाइम लगता है थोड़ा, जब हैवी मैच होती है तो टाइम लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, अगली वीडियो में आपको मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो चलो आज के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यार, अगर अच्छा लगा वीडियो है तो लाइक भी कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर माया किसी को सीखना है तो, और थोड़ा सपोर्ट कर दो यार सब्सक्राइब करके, नहीं तो ठीक ही है, चल रही है। चलो भाई बाय, सत श्री अकाल, अलविदा।